कहाँ से आए हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ पड़ता है जिंजर? इटावा क्षेत्र में? कानपुर। पैदल जाओगे? तो अभी सारी सीमाएं सील हैं, फिर आप लोग कानपुर कैसे निकल जाओगे? पैदल ही जाएंगे साहब। पैदल तो जाओगे, लेकिन अभी जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी है पुलिस वालों ने, वो निकलने नहीं देंगे, फिर आप कैसे जाओगे? रात में कहूँगी ज्यादा कर ले होगा। और अभी बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, तो उसका भी खतरा है, तो ये लोग अपने फिर आपने स्वास्थ्य परीक्षण कहीं कराया है? स्वास्थ्य परीक्षण कहीं कराया है आपने? कोरोना टेस्ट कराया? जानकारी नहीं पाई, आदमी है कमाते खाते है। तो जहाँ से आप काम छोड़ के आए, उनने आपको रोका नहीं कि अभी सीमाएं सील है, अभी मत जाइए? रोका था, मान लो वही जबरदस्ती चलो, मान लो घर गल्ला गल्ला ढाले हुए कितने आदमी। अब हमारी दीदी मर गई, घर है कोई नहीं, बच्चे हैं छोटे 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 बच्चे है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? पटेसर। किससे आए? इटावा जा रहे हो? इटावा जा रहे हो? कहाँ के रहने वाले हो? तो बटेश्वर किस जगह से आ रहे हो? लोनी करन गए। कहाँ गए थे? काम करन, फसल काटा। किस जगह? पटेश्वर। तो अब वापस घर जा रहे हो? तो वापस क्यों जा रहे हो? जब पैदल जाए, सरकार का आदेश है कि जो जहाँ है वो वहीं रुके, फिर आप लोग क्यों जा रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं, यहाँ छोटे है, मजदूर आदमी है। खाने के लिए रास्ते में कहीं कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो आप लोग घर जा रहे हो, सीमाएं सील है, फिर कैसे जाओगे? नहीं, अभी सरकार ने सारी सीमा सील कर दी है, कोई कहीं निकल नहीं सकता, फिर आप लोग कैसे निकल जाओगे? अपने इटावा को बॉर्डर कैसे क्रॉस करोगे? तो आप जहाँ काम करने गए, उनने आपको रोका नहीं? वापस जा रहे हैं आप लोग? जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।